इस बार के अमेजन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में और फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज में कौन से फोन को बाई करना चाहिए, आईफोन 12 या फिर आईफोन 13? दोनों में से कौन से बाई करना चाहिए, यही कंफ्यूजन चल रहा है। और आखिर बाई करना चाहिए दोनों में से एक फोन तो कौन सा बाई करना चाहिए और क्यों बाई करना चाहिए और दोनों फोन के बीच में प्राइस क्या होगा, प्राइस डिफरेंस क्या होगा, सब कुछ आपको गाइस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो अभी से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं दोनों ही फोन के बारे में, दोनों फोन में आपको कौन से फोन में क्या कुछ दिया हुआ है, क्या खास दिया हुआ है। सबसे पहले हम दोनों फोन के बारे में ही बात कर लेते हैं। डिजाइन की बात की जाए तो दोनों फोन का डिजाइन वाकई में काफी बढ़िया है, लाजवाब डिजाइन है। दोनों फोन के डिजाइन में आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगा, दोनों फोन का डिजाइन काफी बढ़िया। बस डिफरेंस है तो एक ही चीज क्या है, दोनों फोन के बैक के साइड में कैमरा का डिजाइन जो है थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। आईफोन 13 में जो है थोड़ा सा डायगोनली डिजाइन दिया हुआ है और आईफोन 12 में आपको जो है वर्टिकली कैमरा डिजाइन दिया हुआ है। आईफोन 12 का कैमरा सेंसर थोड़ा सा छोटा है और आईफोन 13 का कैमरा सेंसर थोड़ा सा बड़ा है। बाकी कैमरा सेंसर जो है काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अच्छे फोटो और अच्छे वीडियो क्लिक करने में। जितना बड़ा कैमरा सेंसर का साइज रहेगा उतना ही अच्छे वीडियो और फोटो आएंगे। फ्रंट में डिस्प्ले की बात की जाए तो आईफोन 13 में जो है बेजल काफी पतले दिए हुए हैं और नॉच भी काफी छोटा दिया हुआ है, लेकिन आईफोन 12 की बात की जाए तो बेजल भी थोड़े से मतलब कि चौड़े दिए हुए हैं और नॉच जो है उसका वो भी काफी थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है। यही मेरे को एक थोड़ा सा खूबी लगा आईफोन 13 का, जिसमें कि बेजल भी काफी पतले और नॉच भी काफी बढ़िया दिया हुआ है, छोटा दिया हुआ है। प्रोसेसर की बात की जाए दोनों ही फोन के बारे में तो आईफोन 13 में थोड़ा सा जो है बढ़िया चिपसेट दिया हुआ है, A15 बायोनिक चिपसेट दी हुई है, और आईफोन 12 में बात की जाए तो उसमें आपको A14 ही चिपसेट दिया हुआ है। मतलब कि ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस पड़ जाता है आपको, लेकिन दोनों ही प्रोसेसर में आपको डेली लाइफ यूज, मल्टीटास्किंग, हैवी यूजेज में कोई दिक्कत लेकर के नहीं आएगा। दोनों ही फोन के बैक के साइड में 12 मेगापिक्सल के दो कैमरा दिए हुए हैं और मैक्सिमम आप इनके में दोनों ही कैमरे से 4K 60fps तक का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बाकी फुल HD 240fps तक का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। दोनों ही फोन के कैमरा काफी बढ़िया है। और बात की जाए आईफोन 13 में कुछ एक्स्ट्रा फीचर की, इसमें सिनेमेटिक मोड का ऑप्शन दिया हुआ है जो कि वाकई में काफी बढ़िया फीचर दिया हुआ है और यही मेरे को काफी अच्छा लगा। लेकिन आईफोन 12 में आपको सिनेमेटिक मोड का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, बाकी सारे फीचर दिए हुए हैं दोनों ही फोन के कैमरा में, बस आईफोन 13 में ये सिनेमेटिक मोड का ऑप्शन एक बढ़िया दिया हुआ, ज्यादा दिया हुआ है। आईफोन 13 में बैटरी की बात की जाए तो 3240mAh की बैटरी दी हुई है जो कि एक बड़ी बैटरी है, लेकिन आईफोन 12 में वही बैटरी की बात की जाए तो 2815mAh की ही बैटरी दी हुई है, जिनमें आपको दो बार इसको चार्ज करना पड़ सकता है। लेकिन आईफोन 13 में ऐसा कुछ नहीं है, आईफोन 13 में आपको 3200mAh की बैटरी दी हुई है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। बैटरी के मामले में भी आईफोन 13 थोड़ा सा आगे है। दोनों ही फोन में सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले दिया हुआ है, बाकी दोनों ही फोन में आपको HDR 10+ वाइड बाइंड डॉल्बी विजन ये सारा कुछ का डिस्प्ले में सपोर्ट दिया हुआ है और दोनों ही फोन में आपको 1200 nits तक का पिक ब्राइटनेस भी दिया हुआ है, जिससे कि आपको धूप वगैरह में प्रॉब्लम नहीं आए। और सब मिनिमम एवरेज ब्राइटनेस की बात की जाए तो आईफोन 13 में आपको 800 nits तक का ब्राइटनेस दिया हुआ है, लेकिन आईफोन 12 में बात किया तो 625 nits तक का ही दिया हुआ है, जो कि ये मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा कि आईफोन 13 में जो है 800 nits तक का जो है मतलब कि लो ब्राइटनेस जो है सबसे कम रहेगा, लेकिन आईफोन 12 में आपको 625 nits तक ही रहेगा। लेकिन गाइस एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब एप्पल का जो है आईफोन 15 लॉन्च होगा तो एप्पल वाले जो है आईफोन 12 को बनाना जो है स्टॉप कर देंगे, इसका मैन्युफैक्चरिंग अब नहीं होगा। लेकिन आपको आईफोन 12 जो ले लिया है लोग, उसमें आपको जो है इसमें आपको जो iOS 17 तक अपडेट मिल जाएगा, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। बस यही एक प्रॉब्लम है कि जब आईफोन 15 लॉन्च हो जाएगा तो वहाँ पर आपको जो है आईफोन 12 का मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप कर दिया जाएगा, लेकिन जो लोग बाई कर लिए उनको कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है iOS 17 तक अपडेट मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपका बजट कम है तो आप लोग आईफोन 12 ही बाई कीजिए। और बात की जाए प्राइस के बारे में तो चलिए गाइस आप लोग को प्राइस के बारे में भी बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आईफोन 12 की प्राइस की बात करें तो देखो गाइस, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि इस बार सेल में जो है 34,000 से लेकर के 35,000 तक आईफोन 12 आपको मिल जाएगा। जी हाँ गाइस, 34,000 से 35,000 के बीच में आपको आईफोन 12 मिल जाएगा। लेकिन आईफोन 13 की प्राइस की बात की जाए तो ये आपको 40,000 से लेकर के 45,000 के बीच में ही मिलेगा, मतलब कि 40,000 से 45,000 के आसपास मिल जाएगा आईफोन 13। तो ये दोनों ही फोन में जो है थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस है और स्पेसिफिकेशन का भी डिफरेंस है, जो कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आईफोन 13 जो है 40 से 45,000 के बीच में मिलेगा और आईफोन 12 34 से 35,000 के अंदर में ही मिल जाएगा। अगर आपका बजट कम है तो आप लोग आईफोन 12 भी ले सकते हो, क्योंकि आईफोन 12 भी बाकी सारे एंड्रॉयड फोन के मुकाबले काफ़ी बढ़िया फोन है। और बाकी आपका बजट बढ़िया है तो आप लोग आईफोन 13 बाई कर लो। तो गाइज मैंने तो आप लोग को सब कुछ बता दिया, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे किसी अगले नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।